जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है ईडी पे हमला हो गया पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी तो तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज्य है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से जंगल राज में बदल दिया है इसका प्रमाण है कि ईडी के टीम पर भी हमला हुआ है बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं राहुल गांधी नेता है उनके कई सारे परिवार के लोगों का योगदान आजादी के वो नेता है जाएंगे भीड़ जुटेगा वोट कितना मिलेगा समय बताए देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं या उन पर सवाल उठा रहे हैं ये उनके बयान से लगता है ये तो मानते हैं कि वो गांधी नेहरू परिवार के सदस्य के नाते उनको नेता माना है भीड़ जुटाने की बात कही है लेकिन ये सही बात भी उनकी जबान से निकली है कि वोट एक नहीं मिलना है वोट कितना मिलेगा पता पता लगेगा तो ये तो सबको है कि जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ वोट कांग्रेस का घटता ही है शरद पवार इंडिया बीजेपी ने जुटा ये तो हिटलर के जैसे जैसे उसने जर्मनी में कहा है यहाँ भी, भी हम लोग की तरफ से ये नारा नहीं है ये नारा जनता की तरफ से आ रहा है लो, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में अगर आवाम कहे कि फिर एक बार मोदी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार और जनता की तरफ से आवाज आती है कि कितनी सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी तो हर सीट पर जीतना चाहती है लोकतंत्र में क्या हम कहें हमको एनसीपी और कांग्रेस है जो पांच दस सीट बोले वो लड़ते ही हैं कितनी सीट रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं उनको लगता है कि इतनी सीटें क्यों बोल रहे अवाम ने मन बना लिया है कि हर सीट से मोदी जी को जिताना है इतने लोकप्रिय हैं मोदी जी कि अवाम को लगता है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास से फिर से तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनना है ये अवाम को लगता है और जनता की तरफ से जो आवाज आती है उसको विपक्ष के नेता अगर काटने की कोशिश करते हैं तो वो लोकतंत्र के खिलाफ है जनता ने जब राजीव गांधी जी को इतनी सीटें दे दी थी तब तो शरद पवार जी कांग्रेस में ही थे तब तो कांग्रेस कहती थी कोई एक सीट भी नहीं हारनी हम लोगों ने भी टारगेट किया है कि हम जितनी सीटों पे जीते हुए हैं 303 पे जहां हम नहीं जीते हैं उन पर हम पांच साल से मेहनत कर रहे हैं और अवाम का आशीर्वाद मिला तो हम 400 के भी ज्यादा सीटें जीतेंगे लेकिन हम अपने तरफ से दावा नहीं करते ये अवाम का दावा है जनता का दावा है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है नीतीश जी का आप पता नहीं नीतीश कुमार जी के साथ क्या खेल खेल रही है कांग्रेस नीतीश कुमार जी के साथ क्या खेल खेल रही है ममता जी नीतीश कुमार जी के साथ क्या खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेल रहे हैं अन्य पार्टी के नेता उनको उन्होंने तो बीजेपी का साथ छोड़ा था ये कह के इन लोगों ने हसीन खाब दिखाए थे कि उनको विपक्ष का चेहरा बनाएंगे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे इंडी अलायंस का संयोजक बनाएंगे लेकिन कुछ न मिला न ही मिला न विशाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे उनके साथ तो पूरी तरह सबको इकट्ठा किया उन्होंने जब इकट्ठा कर दिया पूरी नेताओं को जमा कर दिया तो उस पर नेतागिरी कोई और लोग करने लगे नीतीश कुमार जी बिहार के हैं, हम लोगों को तो बड़ा दुख होता है कि उनके साथ क्या खेल खेल रही है कांग्रेस उनको कुछ बनाने वाली नहीं है सिर्फ है उनको लॉलीपॉप दे देकर अपने साथ जोड़े हुई है कांग्रेस और इसलिए जदयू राजद के रिश्ते बहुत खटास भरे हुए है और जदयू कांग्रेस के रिश्ते भी बहुत खटास बढ़े हैं इसीलिए तो नीतीश कुमार जी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय परिषद में कहा था कि कांग्रेस उनके काम का प्रचार नहीं करती तो कांग्रेस के पास फुर्सत कहा है राहुल गांधी जी के प्रचार से और राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं उसको संभालने में मौका ही नहीं मिलता तो वो नीतीश कुमार जी का क्या नाम लेंगे तो बिहार में सब कुछ गड़बड़ है और यही वजह है कि इंडी डी के लोग पूरी तरह कन्फ्यूज हैं कि किसको नेतृत्व दे ये ऐसा अलायंस है न इसमें नेता है नीति है न नेतृत्व है ये सिर्फ नाम का पार्टी करने का गठबंधन है इकट्ठे होते हैं फोटो सेशन कराते हैं और फिर चले जाते हैं और नीतीश कुमार जी को झूठा झूठा ख्वाब दिखाते हैं